Good morning student. Today is Thursday. आज हम क्या करेंगे ELV में chapter 7. Chapter 7. अभी तक हमने ELV में chapter 1-5 complete कर दिया, 6 complete कर दिया. 6 number का हमारा my family. My family भी मैंने आपको बहुत बार कराया है. अब चैप्टर नंबर 7 वी ऑल वर्क एट होम. वी ऑल वर्क एट होम. वी ऑल वर्क एट तो हम पेज नंबर ओपन लिया. पेज नंबर 24 खोल लीजिए. राजू एंड रानी हैव ए स्मॉल फैमिली. राजू एंड रानी दो हस्बैंड वाइफ है, उनकी छोटी सी फैमिली है. उसमें उनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की. राजू एंड रानी हैव ए स्मॉल फैमिली. देयर फैमिली वर्क्स इन अ फैक्ट्री. और वो राजू और रानी जो है वो फैक्ट्री में काम करते हैं. देयर फादर वर्क्स इन ए फैक्ट्री. उनके पापा जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं. देयर मदर टीचर इन ए स्कूल. और उनकी मम्मी स्कूल में टीचर है, ठीक है. देयर मदर टीचर इन ए स्कूल. टीचर स्कूल में वो पढ़ाती है. टुगेदर दे डू ऑल द वर्क इन द हाउस. वो सब मिलके एक दूसरे मतलब मम्मी पापा भाई सब मिलके घर का काम करते हैं. तो टुगेदर दे डू ऑल द वर्क इन द हाउस. देयर मदर कुक्स फूड. उनकी मम्मी जो है वो खाना पकाती है. देयर फादर हेल्प हर. और उनके पापा उनकी उसमें मदद करते हैं. राजू एंड रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू ले द टेबल. और राजू एंड रानी जो हैं वो बच्चे हैं. राजू लड़के का नाम है और रानी लड़की का नाम है. और वो अपने मम्मी पापा की भी हेल्प करते हैं. उनके पापा जो है वो फैक्ट्री में सर्विस करते हैं और मदर जो है वो स्कूल में जॉब करती है, वो पढ़ाती है. तो सब मिलके वो घर में एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं. मम्मी खाना पकाते हैं तो उसके पापा खाना पकाने में उनकी हेल्प करते हैं. और राजू और रानी जो होते हैं वो टेबल सेट करने में हेल्प करते हैं, आयरन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना. राजू और रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू ले द टेबल. टेबल सेट करने में खाना खाने से पहले अपन प्लेट, कटोरी, पानी ये सब रखते हैं ना, तो उसमें वो हेल्प करते हैं. देयर मदर वॉशेस क्लोथ्स. और उनकी मम्मी क्या करती है, कपड़े भी धोती है. देयर फादर आयरन द क्लोथ. उनकी मम्मी क्या करती है, कपड़े धोती है. और कपड़े जब सूख जाते हैं तो हम लोग इस्त्री करते हैं ना, आयरन करते हैं, वो उसके पापा करते हैं, ओके. तो देयर फादर आयरन द क्लोथ्स. राजू एंड रानी कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड. और राजू और रानी जो है उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब कपड़े इस्त्री हो जाते हैं तो उनको अपन क्या किस में रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं ना अच्छी तरह से. मेरा कबर्ड, बच्चों का जो कबर्ड होगा वो बच्चों के कपड़े जाते हैं. जो पापा का कबर्ड होता है उसमें पापा के कपड़े जाते हैं. ऐसे वो लोग अपने अपने कबर्ड में कपड़े रखते हैं. तो राजू एंड रानी कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड्स. और राजू और रानी क्या करते हैं, कबर्ड्स में अपने कपड़े रखते हैं. राजू एंड रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू क्लीन अप द हाउस. राजू एंड रानी जो है वो घर को क्लीन करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. जैसे पहले हम क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, सब चीज पोछते हैं, धूल लग जाती है, तो राजू और रानी उसमें कपड़ा लेके अपने घर को डस्टिंग कर देते हैं. मम्मी झाड़ू लगा देती है, पापा उसको पोछा कर देते हैं, स्वीप कर देते हैं. दे ऑल्सो कीप देयर रूम नीट एंड टैंडी. और वो अपने रूम को, अपने घर को एकदम साफ, क्लीन एंड टैंडी, यानी कि एकदम साफ सुथरा बना देते हैं, ठीक है. तो राजू रानी के जो पेरेंट्स हैं वो सब एक स्मॉल फैमिली है. राजू रानी और उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं. उसके राजू के जो पापा हैं वो फैक्ट्री में सर्विस करते हैं. मदर जो है वो टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाती है. राजू और रानी जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके उनके घर के सभी कामों में उनकी हेल्प करते हैं. मम्मी जो है वो खाना पकाती है, पापा उनकी खाना बनाने में हेल्प करते हैं,
बच्चे जो है राजू और रानी जो है वो टेबल सेट करने में करते हैं कि खाना पक जाता है तो टेबल में पानी ग्लास कटोरी प्लेट सब जमाने में राजू और रानी हेल्प करते हैं। फिर मम्मा का क्या, तो मम्मी का क्या काम होता है, कपड़े धोना, तो मम्मी सारे कपड़े धो देती है और पापा क्या करते हैं उसको आयरन कर देते हैं। आयरन करने के बाद सारे कपड़ों को अच्छी तरह से राजू और रानी अपने अपने कबर्ड में रख देते हैं, जमा देते हैं। और राजू और रानी क्या करते हैं, घर इतना बड़ा होता है उसमें सब मिलके कोई डस्टिंग करता है घर के कपबोर्ड को, टेबल को, चेयर को पोछता है, बेड को सेट करता है, मम्मी झाड़ू लगाती है, पापा पोछा लगाता है। और उनका घर कैसा होता है, उनके रूम कैसे होते हैं, क्लीन एंड टाइडी। कैसे रूम होते हैं, क्लीन एंड टाइडी। राजू एंड रानी पेरेंट्स हेल्प इन देयर स्टडी। राजू और रानी के पेरेंट्स जो होते हैं वो उनकी स्टडी में हेल्प करते हैं। जब शाम हो जाती है तो वो लोग अपना अपना होमवर्क करते हैं, तो जो उनको डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे आपके भी पेरेंट्स आपको भी जो डिफ़िकल्टीज होती है उसमें आपकी हेल्प करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता या लर्न नहीं हो पाता तो आपके पेरेंट्स आपको उसको याद कराते हैं। ऐसे राजू और रानी के पेरेंट्स उनकी होमवर्क करने में, उनकी स्टडी करने में उनकी हेल्प करते हैं। दे बुक आफ्टर देम व्हेन दे आर नॉट वेल। और जब वो बीमार हो जाते हैं तब भी उनकी देखभाल, जब बच्चे जैसे अभी सीजन चल रहा है वायरल का, तो वायरल हमको हो जाता है, बुखार आ जाता है, कुछ भी होता है, तो हमारे पेरेंट्स हमको पट्टियाँ रखते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मेडिसिन लाते हैं। ऐसे उनके भी पापा जो है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं या वो भी बीमार हो जाते हैं तो वो एक दूसरे की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। तो राजू एंड रानी हैव ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। और राजू और रानी की कैसी फैमिली है, स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। तो ये क्या है, वी ऑल वर्क एट होम। राजू और रानी कैसे थे, राजू रानी, लिव देयर पेरेंट्स, लिव देयर पेरेंट्स। ओके, राजू एंड रानी जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे और हैव ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। उनकी कैसी फैमिली थी, हैव ए स्मॉल स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, ये देखेंगे फिर इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। Thank you.
7 की आपके एग्जाम में फर्स्ट टर्म एग्जाम में चैप्टर 1, 2, 7 ही आएगा। ओके फाइव नंबर पे है वो आयरन द क्लोथ्स।
आंसर फादर फादर आयरन्स द क्लोथ्स। ओके सिक्स नंबर पे है हु हेल्प यू इन डूइंग योर होमवर्क। आपके होमवर्क में कौन हेल्प करता है तो पेरेंट्स। हु हेल्प You in doing your homework. Parents. PARENTS. ठीक है? Parents help you help in our homework. Parents help in doing our homework. Okay? तो पहले क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से कर लीजिए, फिर आगे के दो क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके अब आता है राइट डाउन टू थिंग्स डेट योर पेरेंट्स डू फॉर यू। वो दो काम आप बताइए जो पेरेंट्स आपके लिए करते हैं। तो वो दो काम कौन से होंगे? दे हेल्प मी इन माई स्टडी। पेरेंट्स जो है आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं। दे हेल्प मी इन माई स्टडी। दे हेल्प विद मी इन द इवनिंग। और वो शाम को वो प्ले और शाम को जब हम खेलते हैं तो उसमें भी हमारे हेल्प करते हैं। तो दे हेल्प मी इन माई स्टडी। दे प्ले विद मी इन द इवनिंग। और शाम को वो हमारे साथ खेलते हैं। फिर आता है राइट डाउन टू वेज इन विच यू हेल्प योर पेरेंट्स। आई हेल्प माई आप अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प करते हो? तो आई हेल्प माई पेरेंट्स। आई क्लीन अप द हाउस। घर का साफ सफाई में हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। आई हेल्प माई पेरेंट्स टू ले द टेबल।
और रात में जब हमारा डिनर होता है या लंच में तो आप स्कूल जाते हो, जब डिनर में हम पूरी फैमिली साथ में बैठती है तो हम खाने की टेबल जमाते हैं, ले द टेबल। ओके, इस तरह से लिख देना। हु इज द ओल्डेस्ट इन योर फैमिली, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन होता है आपके फैमिली में? ग्रैंड पेरेंट्स। हु इज द यंगेस्ट इन योर फैमिली में, तो आपकी फैमिली में जो भी सबसे छोटा बच्चा होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? दो क्वेश्चन, राइट डाउन टू थिंग्स दैट यू हैव, वो दो चीज़ें बताइए जिसमें पेरेंट्स आपकी मदद करते हैं। दो है, आपको होमवर्क कराने में आपकी हेल्प करते हैं, दूसरा आपके साथ खेलने में आपकी हेल्प करते हैं, दूसरा आप दूसरा क्वेश्चन है आप पेरेंट्स की कैसे हेल्प करते हो? तो घर को क्लीन करने में करते हैं, आई हेल्प माई पेरेंट्स टू क्लीन अप द हाउस एंड टू ले द टेबल, टेबल जमाने में करते हैं। ओके, तो ये लेसन चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ, इसको अच्छी तरह से लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, दो तीन बार रीडिंग करिए, उसके बाद आपको अच्छी तरह आ जाएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।